सर्वोच्चारार्थिक चतुष्पाणि समर्पयामि च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च हरि ओम सहस्रशीर्षपुरुषः सहस्राक्षः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिगुं सर्वतत्त्वा तति तदशाङ्गुलं पुरुषे वेदगुं सर्वं तद्भूतम्। आज अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका पिछले 16 अगस्त को देहावसान हो गया था, पूरा देश शोक लहर में डूबा हुआ है। उनके अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम आज देश भर में जो चल रहा है, लगभग 100 पवित्र नदियों में उनकी अस्थियों को विसर्जित किया जा रहा है। हरियाणा में अस्थि कलश यात्राओं के रूप में 2 यात्राएं कल से शुरू हुई थी और एक अस्थि कलश हम लोगों ने सरस्वती नदी पिहुआ में अस्थि विसर्जन कार्यक्रम किया है और ये दूसरा आज अभी यमुना नदी में अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम हुआ है। हम सब लोग पार्टी लेवल से भी ऊपर उठ करके समाज के सब लोग आज इस वियोग में दुखी हैं। सब लोगों ने अपनी आदर और श्रद्धा के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की है। हम लोग आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को प्रभु शांति प्रदान करें और देश के पूरे समाज को इस क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। स्वाभाविक है, हमारे आदरणीय अटल जी के साथ जिससे पुराने संबंध रहे और हम लोगों ने तो उनसे बहुत बातें सीखी हैं, चाहे वो राजनीति के नाते से विषय हों, चाहे वो शासन के नाते से विषय हों, चाहे सामाजिक विषयों के ऊपर उनकी जो संवेदना जो उनकी कविताओं में से झलकती है, उनके मन के जो विचार हैं, हम सब जानते हैं कि वो एक अलौकिक एक प्रकार का उनका व्यक्तित्व जो था वो था अजात शत्रु वो थे। इस प्रकार के व्यक्तित्व का निकट भविष्य में मिलना बड़ा दुर्लभ है। हम सब लोग दुखी हैं और हम लोगों ने विचार किया है कि उनकी स्मृति में हरियाणा में कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स जो हमारे इस समय चल रहे हैं उनका नाम रखने के लिए हमने कुछ विचार किया है। केंद्र सरकार की ओर से वो नाम रखे जा रहे हैं, हमने उनको अपनी संतुति भेजी है, जिसमें KMP सड़क है कुंडली मानेसर पलवल, जिसमें डांडसा बाड़सा का जो कैंसर इंस्टीट्यूट है उसके नाम भी शामिल है, उसमें एयरपोर्ट हिसार का नाम उसमें शामिल है और बड़े बड़े इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट है वो उनके नाम से रखने की बात। सर देखिए, उनकी कविताएं सर्वजन के लिए इतनी महत्वपूर्ण हैं कि वैसे ही मैं धन्यवाद करता हूं मीडिया के अपने मित्रों का कि मीडिया के लोगों ने उनकी कविताओं को जन जन तक पहुंचाया है, चाहे हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या हमारा प्रिंट मीडिया हो। उनकी कविताएं अब कहीं किसी एक जगह यानी समेट करके ही रखी जाएंगी तभी हमारे समाज को पता लगेगा, ऐसा नहीं है। हर दृष्टि से जैसे जैसे भी उनकी कविताओं का जो महत्व है वो जनता के सामने रखा जाएगा। मैंने बताया कि ये सारी चीज़ें अभी विचाराधीन हैं, हम मंत्रिमंडल की मीटिंग में बैठ करके विचार करेंगे, उसके बाद आगे करेंगे। हजारों की संख्या में हर स्थान पर यानी 2 दिन की यात्रा हमारे समय जो हमने टाइम टेबल तय किया था उसमें भी हमको बड़ी कठिनाई आई, इतना लोगों ने उसको यात्रा को रास्ते में रोका, स्वागत किए और यात्रा के माध्यम से अस्थि कलश के दर्शन किए। तो मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला अगर और भी हम बढ़ाते तो शायद जनता यानी एक प्रकार से पूरी उमड़ती, क्योंकि हमने 2 दिन का ये कार्यक्रम बनाया था। कल 24 तारीख को पूरे प्रदेश की ओर से एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रोहतक में किया जाएगा शाम को 4 बजे से 6 बजे तक, उसमें भी हमारे प्रदेश के प्रमुख गणमान्य व्यक्ति सब लोग आएंगे।